This is Radhika, going with the session number 5th of your chapter Management of Natural Resources. And in this session, we are here going to discuss about coal and petroleum. So let's start our session with coal and petroleum. Actually, coal and petroleum are the most important sources of energy. Energy ke the most important sources hain coal and petroleum. These are the largest conventional fossil fuels. In addition to carbon, contain hydrogen, nitrogen, and sulfur. ये लार्जेस्ट कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट रहते हैं। सिंपली आपने देखा है, कोई भी एक व्हीकल है उसे रन करने के लिए आपको पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्रीज में कोल की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोलियम की व्हीकल्स में रिक्वायरमेंट होती है। द थिंग इज दैट जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, वो आजकल के टाइम पे प्रेजेंट में काफी रिक्वायर्ड है। क्लियर, दैट दोनों ही की रिक्वायरमेंट हमें काफी ज्यादा है। पेट्रोलियम के भी काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कैरोसिन ऑयल हो गया और ये हमारा तारपीन ऑयल हो गया। ये सब क्या है, ये हमारे पेट्रोलियम के ही पार्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम से ही हमें मिलते हैं। सो द थिंग इज दैट कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी के सोर्सेज हैं। बट द थिंग इज दैट ये दोनों जो सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, दैट इज एनवायरमेंट में एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इनकी क्वालिटी और इनकी क्वांटिटी दोनों में ही डिक्रीज आ सकता है। तो ऑब्वियसली हमें ऑब्वियसली डिस्कस करने की जरूरत है कि कोल एंड पेट्रोलियम के क्या क्या अफेक्ट्स हैं, कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम इनको एक बेटर वे में रेगुलेट कर सकते हैं। सो आपको क्लियर हुआ दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दीज आर द लार्जेस्ट कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स इन एडिशन टू कार्बन कंटेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। फर्स्ट आता है हमारा कोल। इट इज द कंबस्टिबल ऑर्गेनिक फ्यूल दैट अकर्स इनसाइड द अर्थ। जो कोल है वो एक कंबस्टिबल ऑर्गेनिक फ्यूल है जो अर्थ के अंदर होता है। क्लियर, इट अकर्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर हमें मिलता है। क्लियर, द कोल इज अ कंबस्टिबल ऑर्गेनिक फ्यूल दैट अकर्स इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग लिक्विड कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। जो पेट्रोलियम है वो एक हमारा नेचुरली अकरिंग लिक्विड है जो ऑर्गेनिक केमिकल्स से मिलके बना होता है। इट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो पेट्रोलियम है वो लार्ज क्वांटिटीज में हमें मिलता है। क्लियर, इट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे पेट्रोलियम हमें एक लार्ज क्वांटिटी में मिलता है और एक ये नेचुरली अकरिंग लिक्विड है जो ऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें मिक्स रहते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ द थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल है और पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एंड हेंस दीज आर द रिसोर्सेज दैट विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो तब फॉर्म हुए, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। ये तब फॉर्म हुए थे जब जो बायोमास है उसका डिग्रेडेशन हुआ था काफी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। हेंस दीस आर द रिसोर्सेज दैट विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर। तो सिंपल सी चीज है, ये जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सिंपल से टर्म्स में आप ये स्टडी करो, ये सुनो कि कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब रिसेंट टाइम्स में, आई मीन टू से मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब भी डेड बॉडीज हुए, एनिमल्स डिके हुए, प्लांट्स हुए, फॉरेस्ट डिके हुए, ये सब जब सॉइल के नीचे डिग्रेड हो गए तो क्या हुआ, जो डिकम्पोजिशंस थे उन्होंने उन्हें डिकम्पोज किया, उससे क्या हुआ, जो कोल है और पेट्रोलियम है उनका फॉर्मेशन हुआ अर्थ के सर्फेस पे। क्लियर, अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड में। अब है क्या है, जो हमारे डिके हुआ होगा मैटर वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही तो डिके हुआ होगा। क्लियर सी बात है, जब वो लिमिटेड क्वांटिटी में डिके हुआ है तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। दैट इज जितना डिकेड है सिर्फ उतना ही हमारे पास अवेलेबल है, जब ही वो लिमिट उसकी क्रॉस हो जाएगी तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड एज पर एन एस्टिमेशन आर नोन पेट्रोलियम रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड कोल रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर अनदर 200 ईयर्स। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लगभग 40 ईयर्स में लास्ट हो जाएंगी और जो कोल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अनदर 200 ईयर्स में लास्ट हो जाएंगी। दैट इज पेट्रोलियम और जो कोल रिसोर्सेज हैं उनको सबसे ज्यादा डेंजर है इस टाइम, क्योंकि दोनों ही रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल थी और उनका
जो एग्जॉस्ट होने का पीरियड है वो काफी पास आ चुका है। तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट है कि हम इन दोनों ही रिसोर्सेस को फुली कंजर्व करके चलें। क्लियर? अब बात आती है यूजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल है, पेट्रोलियम है, उसके यूजेस क्या हैं? कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कोल और पेट्रोलियम दोनों ही एनर्जी सोर्स की तरह यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, इंजन, स्टीम एक्सेट्रा। मैंने बताया ना आपको, जो कोल और पेट्रोलियम है दोनों ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, एज अ एनर्जी सोर्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जो कोल है वो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, स्टीम इंजन में यूज होता है। क्लियर? और उसके साथ साथ में जो हमारा पेट्रोलियम है और उसके प्रोडक्ट्स हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी आर यूज इन व्हीकल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड हाउस होल्ड पर्पस लाइक कुकिंग। मैंने आपको बताया था ना, जो पेट्रोलियम है उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम है उसी से हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन, एलपीजी मिलते हैं। तो ये जो है ये व्हीकल्स की तरह व्हीकल्स में यूज होते हैं, शिप्स में यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, कुकिंग में यूज होते हैं। तो जो पेट्रोलियम है, कोल है, उसके काफी वैरायटीज में, काफी लार्ज क्वांटिटीज में यूजेस अवेलेबल है। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात ये है पोल्यूशन बाय कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के थ्रू जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसकी बात। फर्स्ट, कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न्ड। द प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर रिलीज इन टू द एयर। जब भी कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न किया जाता है तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हुए, सल्फर के ऑक्साइड्स हुए, ये सब एयर में रिलीज होते हैं। क्लियर? दैट व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न, द प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर रिलीज इन टू द एयर। एंड व्हेन कम्बशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशियंट एयर, और जब भी कम्बशन किसी भी इनसफिशियंट एयर में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। अब जो पॉइजनस गैस हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड होगी तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करेगी, प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगी, एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगी, और हमारे एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करेगी करेगी ही। तो सिंपल सी चीज है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं रहती, वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। साथ साथ में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर विल लीड टू इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो अमाउंट इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफेयर में, इसकी वजह से क्या होता है, इट विल लीड टू इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। क्लियर? दैट द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर विल लीड टू द इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज अमाउंट ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है तो ऑब्वियसली यू नो ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम पे कितना डेंजरस फिनोमिनन है। ग्लोबल वार्मिंग की ही रीजन है कि जो अर्थ है इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग और भी इंक्रीज हो गया, इंटेंस लेवल पे पहुंच गया, तो हमारा एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली हार्म हो ही जाएगा। क्लियर? देयर इज एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, वहां पे एक ओवरव्यू है, क्लास में हम आपको बताते हैं। दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ डिफिकल्ट टास्क। सिंपल सी बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनका जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है वो काफी डिफिकल्ट टास्क है। इन एड्रेसिंग दिस इशू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इनके लिए हमें क्या करना है, यदि हम इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर टू कीप एन ओपन माइंड विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी। हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो पीपल हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, अपने सेल्फिश गोल्स को अपनी प्रायोरिटी ना देते हुए वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, और वो भी चाहते हैं ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। बट द रियलाइजेशन दैट सच सेल्फिश गोल्स विल लीड टू द माइस्ट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज स्लोली ग्रोइंग।
जहाँ पे कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, वहीं पे कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट की, जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जो सेल्फिश गोल वाले पीपल हैं, वो पीपल जो अपने इंटरेस्ट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचा रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स है उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका डिस्ट्रेक्शन स्लोली स्लोली होता जा रहा है। वो एक म्योर लॉस, लॉस को छोड़ के, रूल्स को छोड़ के, रेगुलेशंस को छोड़ के, वी नीड टू टेलर आर रिक्वायरमेंट्स। हमें सिर्फ क्या है आजकल, सिर्फ हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, चाहे हम इंडिविजुअली करें या कलेक्टिवली करें, सो दैट द बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंट रीच एवरीवन नाउ एंड फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं, वो हर किसी तक पहुंचे, प्रेजेंट जनरेशन को भी और आने वाली जितनी भी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी। दैट इज जो सेल्फिश गोल्स वाले पीपल हैं, हमें उन्हें डिफीट करना है। डेफिनेटली उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए, वो लोग यदि एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, यदि वो लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एनवायरमेंट को डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस क्रिएट करने हैं, कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के बाहर जाना है, बट क्या करना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके फुलफिल होने के साथ साथ जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी भी नीड्स फुलफिल हो पाए, उन्हें भी कोई भी रिसोर्स की लैक फील ना हो, उन्हें परफेक्ट और प्रोप्रिएट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में उन्हें जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो मिले। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू पॉल्यूशन। आपको एग्जाम्पल देना है जिसके थ्रू आप ये शो कर पाओ कि जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली माइनिंग कॉजेस पॉल्यूशन। जो माइनिंग है, माइनिंग की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग फॉर्म विच इज डिस्चार्ज फॉर एवरी टर्न अ मेटल एक्सर्टेड। क्योंकि जब भी माइनिंग होती है तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है, एक लार्ज अमाउंट स्लैग का फॉर्मेशन होता है, जो हर ईयर हर टन जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है उसके डिस्चार्ज पे होता है। इज दैट क्लियर? दैट माइनिंग कॉजेस पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग फॉर्म विच इज डिस्चार्ज फॉर एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट हमने स्टडी किया कोल एंड पेट्रोलियम है क्या, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है और ये कैसे हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए नीडेड है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि हम कोल एंड पेट्रोलियम को कंजर्व क्या कर कैसे कर सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम के इम्पोर्टेंट यूजेस क्या हैं और उनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट क्या है, साथ साथ उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमने वो भी स्टडी किए। अलॉन्ग विद दैट हमने नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पे एक ओवरव्यू लिया, एंड दैट्स ऑल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।